जैन मुनि और राष्ट्र संत तरुण सागर जी महाराज ने 51 साल की उम्र में शनिवार 1 सितंबर की सुबह 3:15 बजे दिल्ली में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे, उन्हें पी लिया हो गया था। इसके बाद उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद भी स्वास्थ्य में सुधार होता नहीं दिखने पर उन्होंने इलाज कराना बंद कर दिया और उनके शिष्य उन्हें चातुर्मास स्थल पर ले आए। गुरुवार की सुबह उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। इसके बाद मुनि श्रीमान ने अपने गुरु पुष्पदंत सागर महाराज की स्वीकृति के बाद संलेखना यानी संधारा आहार जल न लेने का फैसला किया। उनका अंतिम संस्कार आज दिल्ली से 28 किमी दूर तरुण सागर में होगा। भोपाल के अंकुर जैन शास्त्री जैन दर्शनाचार्य के अनुसार जानिए संधारा से जुड़ी खास बातें। एक जैन धर्म के अनुसार जैन संत मृत्यु के बाद मोक्ष पाने के लिए धीरे धीरे खान पान का त्याग कर देते हैं। इसे ही संधारा या संलेखना मृत्यु तक उपवास कहा जाता है। दो जैन धर्म में इसे जीवन की अंतिम साधना भी माना जाता है। संधारा की प्रक्रिया 12 साल तक भी चल सकती है। ये जैन समाज की आस्था का विषय है जिसे मोक्ष पाने का रास्ता माना जाता है। 3 संधारा लेने की प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है। जब से जैन धर्म प्रचलन में आया तब से ही इस धर्म के सभी संत इसी विधि से शरीर का त्याग करते हैं। 4 जैन शास्त्रों में इस तरह की मृत्यु को समाधि मरण, पंडित मरण और संधारा कहा जाता है। इसका अर्थ है जीवन के अंतिम समय में तप विशेष की आराधना करना। इसे जीवन की अंतिम साधना भी माना जाता है। जैन समाज में इसे महोत्सव भी कहा जाता है। 5 जैन ग्रंथों में संलेखना के 5 अतिचार बताए गए हैं। अतिचार यानी संधारा लेने के बाद दोष लगना, ये अतिसार है। जेड न्यूज की रिपोर्ट।